नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। कोरोना की तीसरी लहर के संकेत के बीच आज 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस एज ग्रुप के लिए भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। सीएम शिवराज ने भोपाल के सुभाष स्कूल में किया बच्चों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत। बच्चों से वैक्सीन लगवाने की अपील। पंद्रह से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर बच्चों को टीका लगवाने के लिए अब तक 8 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। देश के हर राज्य में वैक्सीनेशन का ये नया मैराथन शुरू हो चुका है और राज्यों ने पूरे हौसले के साथ बड़े बड़े लक्ष्य रखे हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए निर्देश अनुसार 15 से 18 आयु के वर्ग के लोगों को केवल कोवैक्सीन ही दी जाएगी। कोवैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन बाद ही दी जानी है। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली में 159 सेंटर्स बनाए गए हैं। ज्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर वही हैं जहां पर पहले से ही कोवैक्सीन के डोज उपलब्ध थे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए अलग अलग टीकाकरण केंद्र और अलग से लाइन और टीकाकरण दल उपलब्ध कराने के लिए यहां पर सलाह भी दी है। सीएम शिवराज ने क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों को संबोधित किया। पन्ना, सिवनी और देवास के सदस्यों को विशेष हिदायत दी है। सीएम ने कहा है कि तीसरी लहर आ गई है। एक्शन में सीएम शिवराज 3 जनवरी से 7 जनवरी तक करेंगे ताबड़तोड़ बैठकें। कुल 52 बैठकें करेंगे सीएम शिवराज। सीएम भूपेश का आज राजनांदगांव दौरा। 59 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की देंगे सौगात और धनमंत्री जेनरिक मेडिकल स्टोर का भी करेंगे शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में बजट की तैयारी तेज। सीएम भूपेश मंत्रियों के साथ करेंगे मंथन। 10 जनवरी को बजट पर मंत्रियों के साथ होगी बैठक। खरगोन में प्रदेश के कृषि और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में पहुंचकर बच्चों के टीकाकरण का शुभारंभ किया। प्रभारी मंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि पूरे खरगोन जिले में 146 स्कूलों में टीके लगाए जा रहे हैं। ये टीका जिंदगी का सुरक्षा कवच है। टीकमगढ़ क्षेत्र विधायक राकेश गिरी गोस्वामी ने वैक्सीनेशन को लेकर लोगों से अपील की है। शासकीय कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि लक्ष्य पूरा हो, बच्चे उत्साह के साथ वैक्सीनेशन कराने के लिए पहुंच रहे हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए लास्ट समय तक कर्मचारी रुके रहें और बच्चों को वैक्सीनेशन कर प्रोत्साहित करते रहें। जबलपुर में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। 156 स्कूलों में बनाया गया वैक्सीनेशन सेंटर। जबलपुर में वैक्सीनेशन के लिए लोगों में उत्साह। 5 दिन में पात्र बच्चों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया। जिले में 1.25 लाख से 15 से 18 साल तक के बच्चे, 93,000 बच्चों का स्कूलों में दर्ज रिकॉर्ड। हरदा में आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू। 15 से 18 साल के बच्चों का होगा वैक्सीनेशन। रायसेन में आज से शुरू बच्चों का वैक्सीनेशन। 15 से 18 साल के बच्चों का होगा वैक्सीनेशन। 175 स्कूलों में किया जाएगा वैक्सीनेशन। जिला प्रशासन की तैयारियां हुई है पूरी। कलेक्टर अरविंद दुबे की देखरेख में पूरी की गई तैयारियां। 15 से 18 साल तक के बच्चों को लगने वाले वैक्सीनेशन को लेकर स्कूलों में बच्चों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। शारदा विद्या मंदिर में बच्चे जागरूकता का संदेश देने के लिए सुबह से ही रंगोली बना रहे हैं और साथ ही पीएम मोदी और सीएम का भी आभार व्यक्त किया। आज 183 सेंटर पर 4,000 से भी ज्यादा वैक्सीन लगाए जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तमाम तैयारियां की। पंखाजुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम क्षेत्र के हाई स्कूलों में जाकर 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन कर रही है और वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है।
दो साल कोविड के चलते स्कूल बंद रहे, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन जारी रही, बावजूद बच्चों की पढ़ाई काफ़ी हद तक प्रभावित रही है। अब वैक्सीनेशन कराकर बच्चों को सुरक्षित कर रही है, जो कि कोरोना की लड़ाई में एक सुरक्षा कवच के तौर पर साबित होगी। भोपाल के बेरसिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत नलखेड़ा में 15 से 18 साल के कुल 41 बच्चों का हुआ 100% टीकाकरण। ग्वालियर में बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। जिले के 222 स्कूलों में छात्र छात्राओं को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोविड वैक्सीनेशन के लिए स्कूलों में बच्चों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। सूत्रों की माने तो जिले के 222 स्कूलों के लिए 60,000 कोवैक्सीन डोज मुहैया कराई गई है। बच्चों में भी वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। रायपुर में कालीचरण की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, रायपुर सेशन कोर्ट में होगी सुनवाई। महात्मा गांधी पर की थी अभद्र टिप्पणी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है कालीचरण, पूछताछ लगातार जारी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 जनवरी से होगी वर्चुअल सुनवाई, 2 हफ्ते तक चलेगी वर्चुअल सुनवाई। ग्वालियर में कोरोना के केस में इजाफा, बीते 6 दिन में कोरोना के 9 केस सामने आए। मुरैना में चोरों के हौसले बुलंद, शहर के हृदय स्थल माई वाले कुएं के पास एक घर में दिन दहाड़े चोरी की घटना को दिया अंजाम। चोर घर से 2.5 लाख रुपए की नकदी और 300 ग्राम सोने के जेवरात चुराकर हुए फरार। मकान मालिक प्रदीप राजाराम त्यागी अपने पूरे परिवार के साथ गांव गए हुए थे, जब वे शाम को अपने घर लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ मिला। वही इस घटना को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द ही इस चोरी का खुलासा नहीं हुआ तो आगे जाकर थाने का घेराव भी करेंगे। शहडोल में आज से स्कूली बच्चों को कोविड का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। प्लान के अनुसार जिले के 186 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए। वही वैक्सीनेशन के लिए 4 केंद्र जिला मुख्यालय में बनाए गए हैं, जिसमें रघुराज हायर सेकेंडरी स्कूल में 2 केंद्र और MLB स्कूल और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में 1 केंद्र बनाया गया। जिले में कुल 66,844 बच्चों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा जिले में जनपद वार केंद्र भी बनाए गए, जिसमें सोहानपुर ब्लॉक में 41 और ब्योहारी में 47 और गोहापारू में 25 केंद्र बनाए गए। भोपाल की बोट क्लब पर जश्न, भोपाल के समापन के मौके पर कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धजिया उड़ाई गई है। जश्न में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लोग नजर आए। लेकिन हैरानी की बात है कि जिला प्रशासन ने इस पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की। बलौदा बाजार से रायपुर जा रही बस का कैंपसूल वाहन से भिड़ंत हो गई है, 5 यात्री घायल, घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, उपचार लगातार जारी। धमतरी में पड़ रही तेज ठंड के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। रात में तो ठंड रहती ही, दिन में भी लोग गर्म कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सुबह की शिफ्ट में स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इसी तरीके से कुछ दिन तक ठंड बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने महासमुंद जिले के बसना बंसूल में सन 2008 से 19 में 54 से अधिक अधूरे अचल आवास बनाकर छोड़ दिए हैं, जिससे 32 से अधिक बेहद गरीब परिवार पंजीयक धारकों की मौखिक सहायता लेकर कर रहे थे। इनमें से 54 मकानों को दबंग नेताओं ने सितंबर 2020 में बिना शासकीय अनुमति लिए जबरिया तोड़ दिया है और लाखों रुपए का सरिया, ईंट और मलबा भी वहां से उठा लिए गए हैं।
सवा साल बाद हाउसिंग बोर्ड ने 15 दिसंबर 2021 को बसना थाने में तोड़फोड़ और चोरी की रिपोर्ट लिखी थी, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है और न ही कोई भी FIR दर्ज की गई। भैया पुलिस का कहना है कि हाउसिंग बोर्ड से जानकारी मिलने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। बेमतरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने रकम दोगुना करने का लालच देकर ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। 6 लाख से ज्यादा नकदी भी बरामद किए गए। वही बेमतरा जिले के सुरेश निषाद ने इन आरोपियों के खिलाफ सिटी कोतवाली में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बालोद में बीजेपी ने 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की है। शिविर के प्रथम सत्र में पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर शामिल हुए। शिविर में पार्टी के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। मुंगेली जिले के सभी स्कूल और कॉलेजों में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीनेशन की आज से शुरुआत हो चुकी है। महाअभियान की शुरुआत हुई। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। राजगढ़ के कुवावर हायर सेकेंडरी स्कूल में आज से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। उच्च शिक्षा और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मां सरस्वती प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर माला अर्पण कर टीकाकरण शिविर का शुरुआत की। वही मंच से प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अपील है कि निःशुल्क टीकाकरण महावैक्सीनेशन अभियान में छात्र छात्राएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जांजगीर के मारवा प्लांट में तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों पर हमला का मामला सामने आया है। पुलिस ने दर्ज की 5 अलग अलग FIR, 7 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दिल्ली में लगातार कोरोना के केस में इजाफा देखने को मिल रहा है। 3 दिन में 3 गुना ज्यादा एक्टिव केसेस सामने आए। सीएम शिवराज ने कहा है कि अब ज्यादातर लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली में 37,000 ऑक्सीजन बेड्स लगाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने इस बारे में कोरोना पर पूरी तैयारी भी कर ली है, इसीलिए लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनका प्रभाव कम है। आज वेंटिलेटर के 5 बेड भी भरे गए। दिल्ली का EQI लेवल खराब होता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और ऐसे में EQI लेवल 371 दर्ज किया गया। हिसार में भी EQI लेवल खराब है, 278 दर्ज किया गया है, जहां पर दमा के मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद की आबो हवा भी लगातार जहरीली होती जा रही है। EQI लेवल 273 दर्ज की गई है और ऐसे में बच्चे और बुजुर्गों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। गुरुग्राम में भी EQI लेवल 70 से 72 हो चुका है, जहां पर EQI लेवल 232 दर्ज की गई है। दिल्ली से सटे नोएडा का हाल खराब है, EQI लेवल 217 के पार है और ऐसे में लोग बेहद ज्यादा परेशान नजर आए। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने सर्दी का सितम बढ़ा दिया है, जहां उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने 3 जनवरी तक पंजाब, उत्तरी राजस्थान और हरियाणा में शीतलहर चलने की संभावना भी जताई है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा को शीतलहर से नहीं मिल रही है कोई भी राहत। राजधानी दिल्ली में सुबह न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। ठंड की वजह से विजिबिलिटी रेट बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और ऐसे में वाहन चालकों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाके में 4 और 5 जनवरी को भी हालात इसी तरीके से बने रहेंगे।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 33,750 नए केस सामने आए। एक दिन में 284 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,300 से ज्यादा केसेस सामने आए। 8 मरीजों की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस 17,000 के पार। गुजरात का भी हाल खराब है। 69 केसेस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 8 मरीजों की जान चली गई है। एक्टिव केस की बात की जाए तो 8,000 के पार है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,716 केसेस सामने आए। एक दिन में 400 से भी ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में एक्टिव केस 4,410 है। केरल में कोरोना के 2,435 केसेस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 5 संक्रमितों की मौत हुई है। एक्टिव केस की संख्या 9,000 के पार। तो वही नोएडा में एक दिन में कोरोना के 135 केसेज आए। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है। पंजाब में कोरोना संक्रमण के 332 केसेस, 30 मरीज रिकवर। एक्टिव केस 760 के पार। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 427 केसेस से एक दिन में एक मरीज की मौत। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1,000 के पार। देश भर में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के 26 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 1,598 दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 460 केसेस सामने आए, जिसके बाद राज्य सरकार ने और सख्तियां बरती है। यहां पर दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 57 केसेस मिले। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल आंकड़े 351 के पास। राजस्थान में भी ओमिक्रॉन के 69 केसेस मिले हैं, जिसके बाद राज्य सरकार अलर्ट मोड पर नजर आई है और लोगों से मास्क पहनने की अपील भी की जा रही है। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के 9 केसेस आए, लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 64 केस, इस दौरान राज्य सरकार ने पाबंदियों को और बढ़ा दिया है। गुजरात में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से फैल रहे, जहां ओमिक्रॉन के 136 केसेस सामने आए और ऐसे में प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर। तेलंगाना में अब तक कोरोना के 67 केसेस सामने आ चुके हैं। सरकार ने प्रदेश में कई तरह की पाबंदियां बढ़ा दी हैं। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के 177 केसेस सामने आए, इसके साथ ही राज्य में हाईअलर्ट जारी किया गया। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 52 केसेस सामने आए, इसके बाद राज्य में 122 मामलों की पुष्टि हुई। हरियाणा में ओमिक्रॉन के 60 से भी ज्यादा केसेस सामने आए। वे प्रदेश में 25 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं, जबकि ओमिक्रॉन के 12 केस अभी भी एक्टिव है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एसएस राजमौली की फिल्म आरआरआर अब 7 जनवरी को रिलीज नहीं होगी। 2022 की शुरुआत हैरी पॉटर फैंस के लिए बड़े तोहफे के साथ हो रही है। इस साल हैरी पॉटर फिल्म इस साल चाइजी के 20 साल पूरे हो रहे हैं और इसी खुशी में हैरी पॉटर रियूनियन होने जा रहा है। ऋचा चड्ढा और अली फजल ने मार्च 2022 में शादी करने का फैसला लिया है। दोनों पिछले 2 सालों से अपनी शादी को टालते हुए भी नजर आ रहे थे। हॉलीवुड स्टार रॉबर्ट पैटिंसन एक बार फिर से अपने फैंस के बीच नजर आएंगे। दरअसल हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म द बैटमैन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें वो नजर आ रहे हैं। जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रिया रुचाल ने भी कोरोना की पुष्टि की है, ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। जॉन अब्राहम ने बताया है कि वे खुद और पत्नी प्रिया कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है और ऐसे में वो खुद को क्वारंटाइन में रखा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 13 जनवरी से होने वाली रणजी ट्रॉफी पर भी कोरोना के साफ तौर पर असर देखने को मिल सकते हैं। मुंबई के ऑलराउंडर शिवम दुबे और टीम के वीडियो स्पेशलिस्ट के कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। मुंबई ने शिवम दुबे के स्थान पर साईराज पाटिल को 20 सदस्यीय रणजी ट्रॉफी में शामिल किए गए थे।